शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के निमित्त वार्ड क्रमांक एक में शिवसेना के पूर्व नगर सेवक अभिषेक घोसालकर और तेजस्वी घोसालकर के नेतृत्व में मेधावी छात्रों को बैग बुक और यशस्वी सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर अभिषेक घोसालकर ने बताया कि वार्ड क्रमांक एक में जिस तरह से दसवीं और बारहवीं के छात्रों ने उत्तम मार्क्स लाया है, उन्हें सम्मानित करना और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना हमारी प्राथमिकता है। इसी लिहाज से हमने लगातार 11 वर्षों से इस तरह के सैकड़ों बच्चों को सम्मानित करने का अवसर दिया है। एक बार फिर से 11वें वर्ष में अभिषेक घोसालकर के नेतृत्व में यहाँ करीब 300 से ज़्यादा बच्चों को सम्मानित किया गया। उन्होंने बैग बुक पुस्तक और सर्टिफिकेट देकर उन्हें सम्मानित किया गया। तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरह से तमाम मेहमान और कई स्कूलों के प्रिंसिपल से यहाँ मौजूद हैं जो बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। यह पहला मौका नहीं है, अब से घुसालकर ऐसे कई कामों को अंजाम देते हैं जो कहीं कहीं शिक्षा को बढ़ावा देता है। और इस दौरान अब से घुसालकर ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जो भी विद्यार्थी IAS IPS की पढ़ाई करना चाहता है उनके लिए वह मुफ्त सेवा उपलब्ध कराएंगे। क्या कुछ कहती तस्वीरें आइए आपको दिखाते हैं। And now we will go ahead with the felicitations, such, but again we came back here in 2023. So I'm going to call upon Mr. Abhishek Ghosalkar now to say a few words to each and every one of us. Let's welcome Mr. Abhishek Ghosalkar again with a round of applause. Raju, Raju, photo nikalne ke baad mein humko photo yahan se nikalna hai. Yahan se, haan, yahan se. Sab students ko yahan se nikalna hai. Pramukh Uddhav ji ka janmdin us shubh avsar par Abhishek Ghosalkar, Tejaswini Ghosalkar इन्होंने जो आज 10वीं 12वीं के जो बच्चों के लिए जो आज बैग्स बुक्स और जो शिक्षक के माध्यम से जो ज़रूरत है वो उन्हें बांटा गया है, क्योंकि आगे वो कॉलेज में जाएंगे या आगे पढ़ने में उनको बुक की ज़रूरत गिरती है। तो ऐसे अच्छा ऐसा उन्होंने कार्य आज किया है। और आपको पता है कि उद्धव जी ने गए मतलब 2019 से 22 तक जो कार्यक्रम हुआ नहीं था, वो आज फिर कोविड जाने के बाद फिर से अभिषेक घोसालकर जी ने जो अपने 11 साल से ये जो प्रथा है बच्चों का जो सम्मान करने का वो उसको शुरुआत रखी गई। चीफ मिनिस्टर उद्धव जी बर्थडे ओकेशन दैट मिस्टर अभिषेक घोसालकर एंड तेजस्वी घोसालकर एंड द ऑर्गेनाइजर्स दे हैड टेकन टाइम टू ऑर्गेनाइज टाइम टू felicitate and congratulate all the students who have secured 70% and above as an occasion that they used to congratulate as well as to encourage them each time that they would do well and become good citizens of our country. And it is not first time, that is the 11th time that they are organizing this program, and every time we see that lot of enthusiasm, and it in a way encourages all the students to perform well and good citizens of our country. So I take this opportunity to thank Abhishek Ghosalkar and his wife Tejaswini Ghosalkar, the way they perform their duty here to taking care of the citizens and the people here. Their love and concern really appreciated. Thank you. Mr. and Mrs. Ghosalkar, for organizing this function in our ward. Not only they are doing good social work, but they are promoting education. We are lucky to have good institutions in the area, such as St. Francis, Mary Immaculate, and St. Louis in this ward. Many other new schools also which have come up now. So he is promoting 10th and 12th students for the higher education, which is the right thing to do, because I call it the bridge for the higher education.
and for the 11th successive years he has conducted, and I have been a witness and part of this program. I recall his hard work and his commitment to the community in and around. I congratulate him and I always support him and all the best. देखो हर साल की तरह ये साल भी हम हमारे जो पॉलिटिकल आइकॉन हैं, जैसे बाला साहब ठाकरे जी थे, अभी उद्धव जी ठाकरे हैं, उनके उन्होंने हमें सीख दी है कि 80% समाजकारण और 20% राजकारण। आज समाजकारण करते वक्त हम ऐसा देखते हैं कि लोगों की सेवा करना और लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफों से दूर करना, और एक स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन है, या ये हर एक चीज़ में हम लोग आज काम कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से आज आपने देखा होगा कि 300 से ज़्यादा स्टूडेंट को आज हम लोग ने यहाँ पे फेलिसिटेट किया। आज जो ओकेजन था वो हमारे उद्धव जी साहब का आज बर्थडे, वो ओकेजन पे हम लोग ने ये सेलिब्रेशन किया है, और यह 11वां साल हम लोग का है। और मैं आप ये डायस पे अगर देखते हैं तो हर एक स्कूल के प्रिंसिपल हमने आज यहाँ पे बुलाए, जो कि बच्चों को मार्गदर्शन करें और उनको मोटिवेट करके उनके पूरे आने वाले समय में जो कठिनाई होने वाली है या जो वो एजुकेशन लेने वाले, उनको मार्गदर्शन करने का काम आज सभी लोगों ने यहाँ पे किया है। हमारी सिस्टर शीला जी है, हमारे अल्बर्ट सर जी है, हमारी अनीता मैडम यहाँ पे प्रिंसिपल आए हैं, हमारे सर तो हम मेरे फेवरेट ही है, फादर हर एक फंक्शन में मेरे आते हैं, और सेंट लुइस स्कूल तो मुझे लाइक आवर फैमिली, तो वो भी आज टाइम निकल के यहाँ पे आए। हमारे MLA विलास पुतनी जी है, उदेश पाटेकर जी यहाँ पे उपस्थित है, और नगर सेविका तेजस्वी गोसाळकर, सुजाता सिंगाड़े ताई, ये सभी के माध्यम से हम लोग ने आज यहाँ पे कार्यक्रम रखा और ये कार्यक्रम आज सक्सेसफुल हुआ है। और इसी तरह आगे बढ़ के हम बच्चों के लिए, जैसे हमने कहा कि IAS IPS ये अलग सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है, वो शिवसेना जवाबदारी आज से ले रही है कि जो भी स्टूडेंट को यहाँ पे, जितने भी प्रिंसिपल है उनको भी हम लोग ने आह्वान किया है कि आपके स्कूल में अगर कोई स्टूडेंट है जिसको ये सिविल सर्विसेज में जाना है, तो उसकी एजुकेशन हम फ्री में करने के लिए तैयार है, और उनको आगे मार्गदर्शन दे के उनके क्लासेस हो, उनको आगे कैसे बढ़ना है इसके लिए भी हम लोग मार्गदर्शन करेंगे। अभिषेक गोसाळकर हैव रियली डिस्प्लेड अ सेल्फलेस सर्विस टुवर्ड्स द स्टूडेंट्स ऑफ 10th एंड 12th. This has not only shown a motivation for the children, but it also encourages to keep doing. It's not only the selfless service that they have been talking about, but it's been implemented. And this shows how closely they have involved themselves to ensure that 21st century skills and the ability of the children are being tapped in the right manner. Their potentials are not only encouraged, they are motivated, and at the same time, they are honored to make sure that there is an identity for these children. And I wish my good luck to the entire team. I could see the team really contributing towards making this a success. So he has a fabulous team as well along with him. And I wish good luck to Mr. and Mrs. Abhishek Gosalkar. Thank you.